मैंने सोचा था योग हम शुरू करेंगे तो मैं गीत से शुरू करूंगा, लेकिन है ना, तो मैं आपको एक जो मैंने सोचा, आप आज भाग्य विधाता बाबा ने कहा ना कि मैंने तुम्हारे भाग्य की जिम्मेवारी ली है, कलम दी है वर्तमान में भविष्य अपना बनाने के लिए, श्रेष्ठ कर्मों की कलम दी है जिससे तुम अपनी तकदीर को जितना लंबा खींचना चाहो। भगवान ने कलम हमारे हाथों में दी है कि जितना ऊंचा भाग्य लिखना चाहो लिख सकते हो। भाग्य विधाता ही हमारा बन गया है, अब हमें कोई फिक्र करनी चाहिए क्या? हाँ, फिक्र सारी किसको दे दी? दे दी पक्का? हाँ नहीं है, वो पार लगाएगा, ठीक है नाविक ना? हाँ तो सब उसको दे दिया, सौंप दिया, ऐसा ठीक, बहुत अच्छा। उसके हवाले हमारी नैया विषय सागर से क्षीर सागर की ओर ले जा रहा है ना? इस पाप की दुनिया से बाबा कहता है मैं पुण्य की दुनिया की ओर तुम्हारी नैया को ले जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये समर्पण का भाव, ये ट्रस्टीपन है ना, सब कुछ तेरा मेरा नहीं। एक कहानी आती है कि उनको परोसा जा रहा है भोजन राधा के द्वारा, या तो अचानक कृष्ण ऐसा कौर लेते हैं और छोड़ते हैं और दरवाजे की तरफ भागते हैं। तो अरे क्या हो गया, क्या हो गया भोजन? बोले रुको रुको, मेरे एक भक्त को लोग परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मेरा भक्त कष्ट में है। फिर दरवाजे तक पहुंच के फिर वापस आके फिर भोजन करने लगते हैं। अरे बोले क्या हुआ, अचानक उठे कि भक्त को कष्ट है और तकलीफ में, मुझे जाना है। फिर वहां से फिर लौट के आ गए, फिर खाना खा रहे हो? बोले जब तक मैं गेट पे पहुंचा वो कुछ नहीं विरोध कर रहा था, अपनी रक्षा का प्रयास खुद नहीं कर रहा था तो मुझे दौड़ना पड़ा, लेकिन जब मैंने देखा वो भी गालियों के बदले गालियां दे रहा है, वो भी पत्थर के बदले वो भी पत्थर उठा के मार रहा है, तो अपनी रक्षा खुद ही कर रहा है, खुद ही प्रयास कर रहा है, तो मैं आके फिर बैठ गया। वो मेरे ऊपर पूरी तरह से आश्रित नहीं रहा, वो भी गालियां देने लगा उनको, वो भी अपना प्रयास खुद ही कर रहा है, तो फिर मैं छोड़ के वापस आ गया, क्योंकि अब अपनी रक्षा अपना बचाव वो खुद कर रहा है ना? तो वो समर्पण भाव, वो उस पे छोड़ना हर बात को, उस पर आधारित होना, ये बहुत बहुत ऊंची बात है, ठीक है।